दोस्तों एक बार चार्ज करने पर अगर आपके फोन की बैटरी 2 से 3 घंटे ही चलता है उसके बाद पूरा खत्म हो जाता है, तो आज मैं आपको सिर्फ 2 ट्रिक बताऊंगा। इन दोनों ट्रिक को आपको अपने फोन के अंदर लगाना है, उसके बाद एक बार चार्ज करोगे तो 2 दिन तक दोस्तों आपके फोन की बैटरी चलने वाली है बिना चार्ज किए। सही सुना गाइस आपने, सिर्फ एक बार चार्ज करोगे 2 दिन तक लगातार आपके फोन की बैटरी चलेगा 101% गारंटी के साथ। यहां पर मैं आपको इधर उधर की सेटिंग नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2 ट्रिक है जिसे आपको अपने फोन के अंदर एक्टिवेट करना है, फिर जो बैटरी लाइफ है दोस्तों ये 2 दिन तक बढ़ जाएगा गारंटी के साथ। तो कौन सी वो 2 ट्रिक है, कैसे अपने फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाना है, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको उन दोनों ट्रिक के बारे में बता देता हूं जिसे अगर आप अपने फोन के अंदर एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके फोन की बैटरी लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बार चार्ज करोगे 2 दिन तक आपके फोन की बैटरी चलेगा बिना चार्ज किए, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रिक को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने फोन में ये वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी से आपको कैसे आप डाउनलोड करेंगे उसका प्रोसेस हम इस वीडियो में ही देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसमें कैसे आपको ट्रिक को एक्टिवेट करना है। अब इसे एक्टिवेट करने के बाद ही दोस्तों आप दूसरी ट्रिक को एक्टिवेट कर सकते हैं, और दोनों ट्रिक जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आपके फोन की बैटरी लाइफ नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी ट्रिक आपको मिस नहीं करना है, यानी कि वीडियो को थोड़ा सा भी आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको चेक बैटरी देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों ये आपके फोन की जो बैटरी है उसे पूरा का पूरा चेक करेगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आखिर बैटरी में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसा कि अगर आप देखेंगे कहीं कहीं ग्रीन आ रहा है, कहीं कहीं येलो आ रहा है, कहीं कहीं रेड आ जा रहा है। तो ऐसे में जहां पर रेड येलो या फिर अलग कलर आ रहा है ना दोस्तों, वहां पर आपके फोन की बैटरी के अंदर प्रॉब्लम मिल रही है, समझ रहे हो। तो उसे सबसे पहले हमें फिक्स आउट करना है, तभी हमारे फोन की जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज होगा। लाइफ दोस्तों आप यहां पर खुद देख सकते हैं 66% हो चुका है, ये पूरा 100% होगा तब तक आपको जो है वेट करना है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कितने सारे प्रॉब्लम हमारे फोन की बैटरी के अंदर मिल रहा है, ऐसे दोस्तों आपके फोन की बैटरी के अंदर भी कई प्रॉब्लम मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों ये 100 होने ही वाला है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 100 हो गया है। और यहां पर दोस्तों आपको एक मैप देखने को मिल रहा है, इस मैप में ज्यादातर दोस्तों ग्रीन है, जो ग्रीन है दोस्तों वो हेल्दी है, लेकिन जो रेड में है दोस्तों वो इनएक्टिव है, और जो येलो में है वो है लो। तो इन सब चीजों को आपको फिक्स आउट करना है। फिक्स आउट करने के लिए यहां पर चेक बैटरी के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों ये जो सभी प्रॉब्लम है यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा, यानी कि उसे फिक्स आउट करना शुरू कर देगा, ताकि आपके फोन के अंदर यानी कि फोन के बैटरी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लाइक आप यहां पर खुद देख सकते हैं पहला प्रॉब्लम फिक्स आउट हो चुका है, अब ये जो इनएक्टिव सेल्स थे उसे भी यहां पर फिक्स आउट कर दिया गया है। अब आपको फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों आपके फोन की बैटरी के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसे फिक्स आउट कर दिया गया है, यानी कि जो पहला ट्रिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहां पर होम पर आ जाना है, ठीक है। तो पहली ट्रिक होने के बाद अब आप दूसरी ट्रिक को अपने फोन के अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आएंगे तो नीचे की तरफ आना है, यहां पर दोस्तों आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको चेक करना है आपके फोन की बैटरी सबसे ज्यादा कहां पर यूज हो रहा है। जैसे कि मेरे फोन की बैटरी आप देखेंगे तो स्क्रीन यानी कि ये जो डिस्प्ले है इसमें सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, डिस्प्ले हमारे फोन की बैटरी को सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने डिस्प्ले के अंदर कुछ खुफिया जो सेटिंग है उसे बंद कर देना है। बंद करने के लिए आपको यहां से बैक करना है और डिस्प्ले वाली सेटिंग के अंदर आ जाना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए ये डिस्प्ले दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे फोन का डिस्प्ले का सेटिंग है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, नीचे चले आना है। नीचे आएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये दोस्तों आपके फोन में 120 हर्ट्ज पे सेट होगा, तो इसे आपको 60 हर्ट्ज पे सेट कर देना है, जैसा कि यहां पर हमने सेट कर रखा है। क्योंकि अगर आप 120 पे रखेंगे तो आपके फोन की बैटरी काफी तेजी से खत्म होगा, ठीक है। तो इसे आपको 60 पर सेट करके रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो आपके फोन की जो बैटरी है वो काफी तेजी से खत्म होगा। अगर आप बैटरी को सेव करना चाहते हैं तो इसे आपको कम करके रखना ही पड़ेगा। उसके बाद यहां पर कलर स्कीम है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों विविड पर सेट होगा, तो इसे दोस्तों आपको स्टैंडर्ड
बार सेट कर देना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा दोस्तों जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो बैटरी लाइफ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो, थोड़ा सा कलर में आपको फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन जो बैटरी लाइफ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। उसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमने दो सेटिंग को कर दिया है। अब सबसे ऊपर ही दोस्तों आपको एक और चीज देखने को मिलता है, जो कि लाइट मोड और डार्क मोड। तो यहाँ पर दोस्तों आपका लाइट मोड पे सेट होगा, तो इसे आपको डार्क मोड पे सेट कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे फोन के डिस्प्ले के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग थे उसे हमने कर दिया है। करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है। अब दोस्तों आपके फोन की जो बैटरी है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, बैटरी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, हमारे फोन की जो स्क्रीन है वो सबसे ज्यादा बैटरी को कंज्यूम कर रही है। तो अभी जो हमने सेटिंग किया है उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सबसे कम हमारे फोन की जो बैटरी है वो स्क्रीन के अंदर खत्म होगा, यानी कि डिस्प्ले के अंदर खत्म होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैंने दोस्तों अभी आपके सामने किया है, उसे आपको करना है। यानी कि एक डिस्प्ले के अंदर आपको सेटिंग करना है और एक ऐप को अपने फोन के अंदर डाउनलोड करना है, जिसके बाद आपके फोन की बैटरी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे आपको फिक्स आउट करना है। ये दो ट्रिक है दोस्तों जिसे आपको अपने फोन के अंदर लगाना है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर बैटरी सेवर दिया गया है, ये सब ऑन कर सकते हैं। ये सबसे भी दोस्तों बैटरी काफी ज्यादा सेव होता है। तो ये सभी ट्रिक अगर आप अपने फोन के अंदर लगा लेते हैं तो आराम से दोस्तों आपके फोन की जो बैटरी है ये दो दिन तक चलने वाला है एक बार चार्ज करने पर। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये जो ऐप है इसे कैसे आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों बस आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, यहाँ पर बैटरी रिकवर लिखकर सर्च करेंगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। यहां से आपको इसे डाउनलोड करना है एंड अपने फोन की बैटरी में जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स आउट करके अपने फोन की बैटरी को काफी ज्यादा रिकवर कर लेना है, यानी कि बोल सकते हो एक प्रकार से रिपेयर कर लेना है, जिससे आपके फोन की बैटरी लाइफ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो ट्रिक है जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। इन दोनों ट्रिक का यूज करके दोस्तों मैं अपने फोन की जो बैटरी है इसे 3 से 4 दिन तक चलाता हूं एक बार चार्ज करने पर। तो आपके फोन की बैटरी आराम से दोस्तों 2 दिन तक चल जाएगा, एक बार ट्राई करके खुद देख लो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।